स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो हमारे लिरिसिस्ट हैं और हमारे कंपोजर्स जिनके साथ ज्यादती हो रही थी उनको इसके जरिए इंसाफ मिलेगा। बहुत 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 ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम लखनऊ में शूटिंग कर रहे थे हमें पता भी नहीं था कि ट्रेलर भी किसी को पसंद आएगा या नहीं, लेकिन प्रोमोज भी बहुत पसंद आए, फिल्म बहुत बहुत टचवुड बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक व्हाट शी मीन्स बाय द शिफॉन साड़ी इज प्रोबेबली सिनेमा दैट इज मीनिंगलेस टू हर एंड मीनिंगलेस टू मी। आई विल ऑलवेज डू अ स्क्रिप्ट दैट रियली मीन्स समथिंग, आई हैव ओनली डन फिल्म्स लाइक दैट एंड आई विल डू माय थर्ड फिल्म आल्सो लाइक दैट। परिणीति, आई वाज आस्क्ड वुड यू एवर बी ओपन टू डॉनिंग अ बिकिनी एंड आई सेड आई एम नॉट एन एक्टर इफ आई से नो टू दैट। आई एम एन एक्टर बिकॉज व्हेन आई रीड अ स्क्रिप्ट मुझे उसका हर सीन पसंद आया। अब एक सीन में अगर मैंने बिकिनी पहना हुआ है उसमें ना मैं किसी आदमी को टिटिलेट करने के लिए कर रही हूँ, ना मैं किसी चीप थ्रिल के लिए कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सीन में लिखा गया है, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगी अगर वो सीन जरूरत ना हो। तो मुझे पता है बहुत ही बोरिंग आंसर है बोलना कि स्क्रिप्ट की डिमांड होगी तो मैं बैठूंगी, लेकिन रियली अगर स्क्रिप्ट में जरूरत होगी तो मैं जरूर आई होप टू एवरी काइंड ऑफ एक्टिंग। 10 साल की करियर की कोई पिक्चर रीमेक बन रही हो और आपको एक्ट करना, ऐसा कौन सा रोल है जो आप करना चाहोगे, आपका ड्रीम रोल क्या है? फैशन। अगर उनकी कोई पिक्चर फिर से बन रही हो तो मैं फैशन करूंगी, मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है दीदी की फैशन। कोई ड्रीम रोल नहीं है, आई वुड जस्ट लाइक टू डू बेटर फिल्म। थैंक यू।